बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है बॉलरिंग। अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, कोई अगर बॉलरिंग डालने वाला है, इसके अंदर नोज़ के अंदर जो बॉलरिंग डाली जाती है उसके लिए कोई अच्छा प्रैक्टिस नहीं करता ना, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं। इसका ये एक केस है, इसके जो बॉलरिंग जिसके यहाँ पर जो लोकल में किया जाए वो गंदूहा जिस तरह के में कहते हैं, कोई एक बारीक सी लोहे वाली चीज़ होती है जो उसके मसल से पास करनी चाहिए, ना कि उसके जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ना उससे। अगर मसल से पास की जाए तो वेल एंड गुड, अगर मसल से पास नहीं की जाती तो फिर ये कंडीशन आप आके देख सकते हैं जिस तरह से ये हालत हुई हुई है। अब ये एक एनिमल है, ये देख लें, अब ये एक अनस्थाइज कंडीशन है, इसको मैंने अनस्थीजा लगाया हुआ है। तो ये देख लें, इसकी ये देखें, ये वाली जगह जो है ना, ये देखें, ये इसकी हड्डी के अंदर लगा हुआ है। हालांकि ये जो बॉलरिंग होती है वो इसके मसल्स के अंदर इस जगह पे अंदर लगी जाती है। ये जो है ना, ये हड्डी के अंदर लगा हुआ है। और दूसरा, ये उस वक्त जिस बंदे ने इसको लगाया है, इसके प्रैक्टिस की है इसके ऊपर, वो इलीगल था, मतलब उसको पता भी नहीं था। और ये देखिए, ये उसके ऊपर जो है ना वूंड्स बन गए। अब इसकी मैंने ये ट्रीटमेंट कर दिया, इसके ऊपर अभी हमने जो है ना स्प्रे इसके ऊपर लगानी है। थैंक यू। इसकी ये गलत लगी है, ये देखिए, इसकी जो कार्टिलेजनस जो है ना चीज़ यहाँ पर लग गई है। इसको लगाना, ये इस साइड पर लगाना था, मसल के अंदर, ये जो है ना हड्डी के अंदर लग गई है। ये देख रहे हैं, ये अंदर, ये हड्डी के अंदर लगी है। हालांकि इसके लगनी ये जो चाहिए थी ना, इसके गोश्त के अंदर लगनी चाहिए, ये इस साइड पे। ये जो है ना बैड प्रैक्टिस की वजह से ऐसा होता है। ये देख लें, इंशाल्लाह अब ये एक वूंड की शक्ल इख्तियार कर रही है। अब इसकी वूंड की होगी मैनेजमेंट, जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह लगी जाएंगी।